स्टॉर्न, वेलकम टू गुरु मांडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न्स। Three of Cups, Four of Swords. Knight of Swords. And the Sun. Okay. तो हमारे पास Four of Swords है। Four of Swords के साथ Capricorn, आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त आपके लिए अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये person आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है इस वीक। जिससे भी आप इस वक्त रिलेशनशिप में हैं, शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने को तैयार ही नहीं है, आपके रीजंस को सुनने को तैयार ही नहीं है, और सिर्फ ये चाहता है कि आप उनकी बात समझें। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत उतावला है चीजों को अपने हिसाब से चेंज करने के लिए, मोल्ड करने के लिए, और ये चीज आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आपको यहां से कुछ और करने की जरूरत है, कुछ और सोचने की जरूरत है। कि आप रिकॉर्ड, ये पर्सन आपको इतना ज्यादा परेशान कर देगा कि आपको ऐसा लगेगा कि फिलहाल आपको इनसे कट ऑफ होने की जरूरत है। ओके, एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, कोई ऐसा इश्यू है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो मत करिए उसे सॉल्व, और कोशिश भी मत कीजिए उसे सॉल्व करने की। एक ब्रेक ले लीजिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको जरूरत है इन चीजों से दूर जाने की, क्योंकि शायद ये सब कुछ बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है और आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप जितना ज्यादा सुलझाने की कोशिश करेंगे इस समय, आप उसे उतना ज्यादा उलझाते जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप फिलहाल शांत रहिए एंड इस चीज को यूनिवर्स पे छोड़िए। और सबसे बड़ी बात कि आपको अपनी एनर्जी को रिगेन करना है। इस पर्सन ने आपको पूरी तरह से ड्रेन कर दिया है, इस पर्सन ने पूरी तरह से आपको थका दिया है अपने ड्रामा से कह सकते हैं, या अपने अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड से। हो सकता है हर चीज के लिए ये आप पे डिपेंड कर रहे हो, हर चीज आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, और उन्हें बस लगता है कि जब कैप्रिकॉन है मेरी लाइफ में तो मुझे सोचने की क्या जरूरत है। कैप्रिकॉन चीजों को संभाल लेगा, या कैप्रिकॉन अपनी साइड से कॉम्प्रोमाइजेस कर लेगा और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ये रिलेशनशिप चलता रहेगा। अगर ऐसा है आपके केस में, तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपको और टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप टॉलरेट करेंगे उतना ज्यादा परेशान होते जाएंगे। अगर चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो शायद इस वक्त सॉल्व ना कर पाए, तो बेहतर है कि एक पॉज लीजिए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। थ्री ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा समय बिताएं, एंजॉय कीजिए उन एक्टिविटीज को करना जो आपको पसंद है। ये कुछ भी सिंपल एक्टिविटी हो सकती है। और आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो पॉजिटिविटी है आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगी। तो थ्री ऑफ कप्स के साथ यहाँ अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करना सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। ओके, एंड यहाँ पे द सन का कार्ड है। द सन के कार्ड के साथ आपके लिए सन वेट कर रहा है अपनी वार्म्थ, अपनी लाइट के साथ। पर जरूरी है कि आप पहले अपने आंखों के सामने की जो बादल है उसे क्लियर करें। ये देख रहे हैं आप क्लाउड्स,
इन क्लाउड्स को क्लियर करना जरूरी है ताकि आप सन को फील कर सकें। तो जो चीजें आपके लाइफ में खुशियां लेके आ सकती है वो बिल्कुल आपके सामने ही है, पर शायद आप इस पर्सन के कारण, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कारण, इन खुशियों को देख नहीं पा रहे और ना ही फील कर पा रहे हैं। बहुत सारे स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, तो हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, हालांकि ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2022 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। हायरोफेंट, द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो हमारे पास हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको जरूरत है एक बार फिर से अपने लाइफ को एनालाइज करने की। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस वक्त आप पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं, ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहा है, आप खुद को नहीं समझ पा रहे, सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं और यहां से आगे कोई रास्ता नहीं है। पर याद रखिए कि आपके पास ये लैंप है, ये लैंप आपको रास्ता दिखा रहा है। तो यहां पे हर्मिट आपसे कह रहा है कि सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आप फिगर आउट करें कि आपके लिए क्या जरूरी है। ये पर्सन जो चीजें आपसे सेक्रीफाइस करने को कह रहा है, क्या वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है? अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपको दोबारा सोचना जरूर चाहिए और अपने विजडम से काम लीजिए। तो हर्मिट आपसे कह रहा है चीजों को जल्दबाजी में सुलझाने की कोशिश मत कीजिए, या ये मत सोचिए कि अगर आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल गई तो आगे क्या होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को संभालने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। कैप्रिकॉन, आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं तो इससे ज्यादा अब आप और कुछ नहीं कर सकते। हायरोफेंट आपसे कह रहा है कि आपको अपने विजडम का यूज करना चाहिए बजाय अपने इमोशंस के, और हायरोफेंट आपसे कह रहा है कि अपने एक्सपीरियंसेस को याद कीजिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। आपको किसी चीज के पीछे भागना नहीं चाहिए इस वक्त, अपने ऊपर फोकस कीजिए और बाकी चीज अपने आप होंगी। यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ कप्स है। एक बार जहां आप अपने डिसीजन लेते हैं, एक बार जहां आप अपने लिए स्टैंड करते हैं, इस पर्सन को ये बात जरूर समझ में आएगी कि वो क्या कर रहे थे, आखिर उन्होंने आपको किस हद तक मजबूर किया है कि आप ये सोचने में मजबूर हो गए कि आप इस रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हैं या नहीं। शायद इस पर्सन को ये आइडिया ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और वो आपको खो भी सकते हैं। ओके, ये पर्सन आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ कप्स के साथ कि आपको कोई न्यू प्रपोजल मिलने वाला है लव का। ओके, हो सकता है कि आपका ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी हो, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो टॉक्सिक बिहेव कर रहा है, वो फिर से आपके लिए ये कप लेकर आ रहा है। एक बार अगर आप उन्हें क्लियर कर देते हैं कि आप इस तरह के बिहेवियर के साथ पुट अप नहीं कर सकते, या आप इस तरीके के माहौल में नहीं रह सकते, इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये पर्सन यहाँ पे ये कप लेके है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन आ सकता है या कोई पास से भी वापस आ सकता है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक अब ये पर्सन लड़ने को तैयार है नए चैलेंजेस से, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपका उनका कोई फ्यूचर नहीं है, वो आपसे ये सब चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। कैप्रिकॉर्न्स, लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। आपसे चारों कह रहा है कि आपके रास्ते के ऑब्स्टेकल्स जो है वो रिमूव हो रहे हैं, आपके लिए स्पिरिचुअल सपोर्ट है, आपके स्पिरिट आपसे कनेक्टेड है और आपको गाइड कर रही है,
आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है अपने स्पिरिट से, तो आपको किसी चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं है. ओके, तो ये है रीडिंग आपकी जनवरी के 3rd वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.